गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स क्लास आई एम योर नेहा मैम फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल सो हावर यू ऑल लास्ट टाइम स्टूडेंट वी रीड अवर चैप्टर सेकेंड एंड वी कम्पलीटेड इट्स ह्यूमन डिजीजेज मोड ऑफ ट्रांसमिशन जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स एक टेबल जो है हमने कम्प्लीट की थी यहाँ पर जिसमें स्पेशली ह्यूमन्स के बारे में बता रखा था कि ह्यूमन्स जो हैं उनको कौन कौन सी डिजीज होती है उनके मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन कौन से होते हैं और इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं इससे किस तरह से बचा जा सकता है नेक्स्ट आज हम देखेंगे अबाउट डिजीजेज इन एनिमल्स आज हम देखेंगे एनिमल्स में जो डिजीजेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उन डिजीजेज को फैलाने वाले जो मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं सो so, लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट इज यहाँ पर आपको टाइम आपकी जो टेबल है इसमें दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेकेंड जो आपका ऑप्शन है वो है डिजीजेस तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं और इनसे होने वाली डिजीजेस एनिमल्स में फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस virus, वायरसेस इससे होने वाली डिजीज है फूड फूड एंड माउथ डिजीज फूड और माउथ में होने वाली जो डिजीजेस हैं इन कैटल रियरिंग एनिमल्स स्पेशली कैटल एनिमल्स वो होते हैं जो कि जिन्हें हम दूध के लिए जो है पाला जाता है हमारे द्वारा जैसे कि काउज बफेलोज एक्सेट्रा तो ये कैटल एनिमल्स कहलाते हैं इनकी फूट में होने वाली डिजीज़ और इनकी माउथ में होने वाली डिजीज़ जो होती हैं ये वायरस से रिलेट होती हैं नेक्स्ट है यहाँ पर बैक्टीरिया सेकेंड बैक्टीरिया जो है वो इस तरह की डिजीज इनमें उत्पन्न करता है जैसे कि डिजीज़ का नाम है यहाँ पर एंथ्रैक्स ये भी स्पेशली कैटल्स में ही होती हैं कैटल रियरिंग एनिमल्स अगेन इन काउ एंड बुफेलो थर्ड है प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ से स्लीपिंग सिकनेस होती है एनिमल्स में स्लीपिंग सिकनेस का मतलब होता है निद्रा से रिलेटेड बीमारी या फिर नींद से रिलेटेड कोई भी सिकनेस जैसे कि नींद ना आना तो ये किस किस में हो सकती है कैटल रेयरिंग एनिमल्स में भी होती है पिग्स में भी होती है और हॉर्सेज में भी जो ये बीमारी है ये हो सकती है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिजीज इन प्लांट प्लांट में होने वाली डिजीज के बारे में पढ़ेंगे अब इसमें हम तीन यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे ये बीमारी हो रही है बीमारी कौन सी है डिजीज कौन सी है ये देखेंगे और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कहां से इनमें फैलती है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे सो फर्स्ट इज वायरस वायरस से यहाँ पर टोबैको मोजैक होता है टोबैको मोजैक का मतलब होता है टोबैको में होने वाली जो तम्बाकू है उसमें होने वाली ये डिजीज है इसमें कीड़े लग जाते हैं मोजैक का मतलब है कीड़ों का लग जाना नेक्स्ट है यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका हैंड्स एंड क्लोथिंग ऑफ फील्ड वर्कर्स जो फील्ड में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके हाथ से ये हो सकती है या फिर उनके कपड़ों से ये जो बीमारी है ट्रांसमिट होती है फैलती है सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर आपका वायरस अगेन डिजीज जो है वो है येलोवेन मुजेक इन मोजेक ऑफ भिंडी भिंडी जिसे हम इंग्लिश में लेडी फिंगर कहते हैं उसका साइंटिफिक नेम है ओकरा तो, तो इसमें येलो वेन मोजेक नाम का रोग होता है Uh, ये किससे फैलता है इसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट नेक्स्ट है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी सिट्रस कैंकर सिट्रस कैंकर सिट्रस वो फ्रूट्स uh, या वेजिटेबल्स uh, होती हैं जो कि खट्टी होती हैं जैसे कि लेमन या फिर ऑरेंजेस इनमें होने वाले डिजीज़ेस जो हैं वो फैलती हैं उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर और कैंकर का मतलब होता है उनका सड़ जाना सिट्रस कैंकर इट मीन्स नींबू या फिर जो ऑरेंज जैसे जो फल होते हैं इनका सड़ जाना और ये होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है हवा एयर नेक्स्ट है फंगाई फंगाई जो है ये अगेन आपको यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और डिजीज इसमें है रस्ट रस्ट का मतलब है यहाँ पे पाउडरी वे में कन्वर्ट हो जाना एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना यहाँ पर वीट जो है वो एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है हवा या फिर उसके बीज नेक्स्ट देखेंगे हम अपने क्वेश्चन आंसर्स सो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर तक कर लिया था नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सो अवर क्वेश्चन नंबर इज हाउ डू माइक्रोब्स हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट माइक्रोब्स जो है वो एनवायरमेंट को साफ करने में हमारी किस तरह से मदद करते हैं इट मीन हमारे वातावरण को साफ रखने में हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं इसका आंसर है व्हेन माइक्रोब्स टेक इन फूड जब माइक्रोब्स अपना खाना लेते हैं दे ब्रेक डाउन प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज तो ये क्या करते हैं अपने खाना लेते समय पर ये जो प्लांट्स रेजिड्यूज होते हैं या जो एनिमल्स जो रेजिड्यूज होते हैं जैसे कि एनिमल्स मर गए हैं या प्लांट जो हैं वो मर गए हैं इनके जो टिश्यूज होते हैं इनको ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कठोर फॉर्म से ये सरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं दीज सबस्टेंसेज आर देन रीस्टोर टू द सॉइल और इस पदार्थ को फिर से रीस्टोर कर लिया जाता है फिर से इन्हें ले लिया जाता है किसके द्वारा मिट्टी के द्वारा पानी के द्वारा या हवा के द्वारा और यही मिट्टी पानी या जो हवा है वो फिर से प्लांट और एनिमल्स के यूज में आती है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन हाउ आर माइक्रोब्स यूजफुल एज द सोर्स ऑफ फूड माइक्रोब्स किस तरह से यूजफुल होते हैं खाने के स्रोत में तो माइक्रोब्स जो है वो उन्हें हम कौन कौन से खाने में यूज करते हैं कौन कौन से फूड में हम लोग उसे यूज करते हैं सो फर्स्ट इज ईस्ट इज रिच इन अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स यज जो है वो अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स में बहुत रिच होती है इट मीन्स बहुत मात्रा पाई जाती है इसमें प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स की इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड और ये बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण सोर्स है हमारे खाने का हमारे भोजन का फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स दोनों के लिए ह्यूम्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स की यहाँ पर जो ईस्ट है वो हमारे ब्रेड या केक बनाने में यूज की जाती है तो ईस्ट जो है वो एक जर्नरल uh, फॉर्म uh, है जो कि हम फूड में यूज करते हैं सेकेंड है फंगाई फंगाई लाइक मशरूम्स आर ईट इन रॉ और कुय जैसे कि मशरूम आपने नाम सुना होगा हमारी वेजिटेबल्स में आता है इसे हम समाइम्स कुक करके भी खाते हैं और कई बार हम इसे कच्चा भी यूज करते हैं तो ये आपके टू फॉर्म्स हैं यहाँ पर ईस्ट और फंगाइस जिसे दोनों को ही खाने में यूज किया जाता है हमारे भोजन में यूज किया जाता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटीन यू मीन बाय फूड पॉइजनिंग आप क्या समझते हैं फूड पॉइजनिंग से इट मीन फूड पॉइजनिंग क्या होता है आंसर इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेन ग्रो ऑन अवर फूड जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड में भरने लगते हैं ग्रो करने लगते हैं फूड सब्सटेंसेस प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस तो ये जो फूड में जब ये भरने लगते हैं तो ये क्या करते हैं अपने साथ साथ uh, कुछ टॉक्सिसिटी ले आते हैं हमारे खाने में कुछ जहरीला जो पदार्थ है वो इसमें बना देते हैं फॉर्म कर देते हैं विच कॉजिंग वॉमिटिंग जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग भी होती है सीरियस इलनेस भी हो सकती है उल्टी हो सकती है सीरियस इलनेस कोई बीमारी बहुत गंभीर बीमारी भी हो सकती है एंड इवन डेथ या फिर ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है नेक्स्ट देखेंगे नेम टू बैक्टीरिया एंड फंगाई विच कॉज़ फूड पॉइजनिंग हमें यहाँ पर टू बैक्टीरियाज और टू फंगाई के नाम बताने हैं जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है सो so, बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग आर बैक्टीरिया जिनसे कि फूड पॉइजनिंग होती है वो है सेलमोनोला सेलमोनेला एंड क्लास्ट्रीडियम सो सेलमोनेला जो है वो बैक्टीरिया में ही आता है और प्लस क्लॉस्ट्रीडियम जो है वो भी एक बैक्टीरिया का ही फॉर्म है फंगाई में अगेन आपको यहाँ पर टू नेम्स दे रखे हैं फर्स्ट इज एस्पोग फंगाई कॉजिंग फूड पॉइजनिंग आर एस्पोगस एंड पेनिसीलियम तो यहां पर भी अगेन टू फॉर्म्स आपको फंगाई के बता रखे हैं एस्पेगिलस और पेनिसिलियम इसकी स्पेलिंग है फर्स्ट यहाँ पर बैक्टीरिया जो कॉजिंग है आपका इसका स्पेलिंग यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ सेलमोनेला एस एल ओ एन ई डबल एल ए सेल्मोनिला एंड क्लॉस्ट्रीडियम सी एल ओ एस टी आर आई डी आई एम क्लोस्ट्रीडियम फंगाई कॉजिंग है एस्पेगिलस ए एस पी ई आर जी आई डबल एल यू एस एसपरगिलियम पीई एन आई सी आई डबल एल आई यूएम पेनीलियम और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड खाने को प्रिजर्व जब हम करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं खाने को संरक्षित करना खाने को बचाना अपना जो फूड होता है हम उसको कवर अप करके रखते हैं या उससे जो फ्रिज में हम रखते हैं तो ये क्या है ये है एक तरह का मेथड है प्रिजर्वेशन का इट मीन्स हम खाने को फूड को खराब होने से बचा रहे हैं तो जब फूड को खराब होने, तो होने से बचाया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड तो इसके हमें क्या लाभ मिलते हैं क्या एडवांटेजेस होते हैं फर्स्ट इज रिड्यूसेस फूड वेस्टेज सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है ये है कि जब हम खाने आ, अपने भोजन को यहाँ पर प्रिजर्व करते हैं तो इससे हमारा जो फूड वेस्टेज है वो कम होता है इट मीन्स हमारा जो भोजन है वो खराब नहीं होता हम उसे आ, आपने देखा होगा जब भोजन खराब हो जाता है तो हम उसे थ्रो कर देते हैं उसे फेंक देते हैं तो क्या होता है भोजन खराब नहीं होता इससे क्या होता है भोजन खराब नहीं होने से जो भोजन है वो बच जाता है नेक्स्ट है सेकेंड इंक्रीजेज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड ये हमारे खाने की सही रखने की कैपेसिटी को बढ़ाता है ये इस जब हम इसे अच्छे से स्टोर करते हैं तो ये जो हमारा भोजन है वो बचा रहता है ओके नेक्स्ट थर्ड इज न्यूट्रिटिव वैल्यू इज री फॉर लॉन्गर पीरियड इसके अलावा जो पोषक तत्व हैं भोजन में जब हम उसको अच्छे से अच्छे मैनर से अगर उसको प्रिजर्व करेंगे तो उसमें जो पोषक तत्व की जो मात्रा है वो उसमें बनी रहती है रिटेन बने रहना बहुत समय तक बनी रहती है फोर्थ एंड फूड अवेलेबिलिटी इन ऑफ सीजन साथ में अगर ऑफ़ सीजन भी हमारा होता है तो उस समय पे भी हमें कोई ऐसी जो वेजिटेबल्स हैं जो कि हमें सर्दियों में मिल रही है और हमें गर्मी में नहीं मिलती है तो सर्दियों में जब हम उसे प्रिजर्व कर लेते हैं तो वो हमें गर्मी में भी अवेलेबल इजीली हो जाती है तो ये क्यों होता है बिकॉज ऑफ़ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड क्योंकि उसको प्रिजर्व किया जाता है तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर इजीली समझ में आ गए होंगे इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम टू क्वेश्चंस और करेंगे जो कि डिपेंडेंट uh, है फर्स्ट आपका प्रिजर्वेशन मेथड्स पे और सेकेंडली नाइट्रोजन साइकिल पे ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे बाय फॉर नाउ थैंक यू